की शान बिल्कुल फीकी गई बाकी मियां, न तो ड्रामा अच्छा था, न सीन सिनेरी और ना ही काम करने वाले। तो चलो दिलावर मियां, आज तुम्हें आगा जान की हवेली लिए चलते हैं। अमा बड़ा जोर। हाँ, सारंगी तबले की संगत में नृत्य भाव के साथ समझा समझा कर अगर कोई गजल गाए तो कुछ अपने पल्ले पड़े। अमा तो फिर चलो बाई, गौर बाई की बनारस से आई है, ईमान से बहुत उम्दा गाती है। सिर्फ गाने वाली हो तो चलने को तैयार हूँ, ऐसे वैसी जगह तो दूर से सलाम। हम ऐसे नहीं कि इज्जत बिगाड़ कर तमाश भी नहीं करते फिरे। अजी गौहर बाई भी इज्जतदार गायिका है, गाने के साथ एक आध थोड़ा नाच लेती हैं बस। आपको गाना पसंद आए तो जो जी चाहे इनाम दे दीजिए, वहां पर दुकानदारी जैसी कोई बात नहीं। बस यूं समझिए जैसे ड्रामा थिएटर देखने चले गए वैसे गौहर बाई के यहाँ चले गए। ठीक है, चलो जल्दी से बाजी खत्म कर ले। चलो चश्मे बद्दूर इंसाफ तेरा देखा ऐसा पे मैं हना, इंसाफ तेरा देखा ऐसा पे मैं हना। हम बैठे रहे प्यासे हलका किया पैमाना, हलका किया पैमाना। हम बैठे रहे प्यासे हलका किया पैमाना। दुनिया के जफाओं का
जैसी शायरी वैसी अदाई, ये किसकी गजल थी गौहर जान? अजी शायर ने अपना पेशा भी बता दिया और नाम भी है, काम मेरा चलना और नाम है परवाना। परवाने को वो कौन है जो मानता नहीं, पर शमा किस तरफ है कोई जानता नहीं। मैं तो आपके बहुत करीब हूँ, पर आप ही को एहसास न हो परवाना साहिब, समा क्या करे? एहसास के लिए थोड़ी दूरी की जरूरत। जिंदगी में पहली मर्तबा तो एक शायराना बात की, वो भी मेरा दिल दुखाने से। लीजिए, मैं दूर हुई जाती। बस जल गई शमा? अरे मैं उल्टी शेरवानी पहनकर जाऊंगा मुशायरे में। क्या हरज है, शायरों की दीवानगी तो मशहूर है, कम अज कम इस तरह लोगों की नजर तो पड़ेगी आप पर। वरना? वरना क्या? मेरा मतलब है आगा जान की हवेली का मुशायरा है जनाब, वहाँ बहुत बड़े बड़े शायर आएंगे। तो मुझे तुम छोटा शायर समझती हो? मैं आपको क्या समझती हूँ ये मेरा खुदा जानता है। मुशायरे में लोग आपको कैसा शायर समझे ये खुदा जाने। मुशायरे में तो आज मैं वो समा बांधूंगा, ऐसी नज्म सुनाऊंगा कि लोग फड़क उठे, दिल में दर्द होने लगे। कहीं लोगों के सर में न होने लगे दर्द। अल्लाह छोड़िए, नहीं बुलाती हूँ खाला जान को। अब हुआ सर में दर्द? छोड़िए ही क्या, बचपना है, गर्दन मरोड़ दी। याद है ऐसी शरारत पर बचपन में कितना पीड़ा था मैंने तुम्हें? याद है, और ये भी याद है कि जब तक मैं बोली नहीं थी खाना नहीं खाया था आपने। अरे जाओ, तुम्हारे लिए खाना कौन छोड़ता, मैंने हुदूद के साथ बाहर खा लिया था। हाय अल्लाह, मैं न जाने क्यों हमेशा से जल्दी बेवकूफ बन जाती हूँ। हुजूर मियां आ गए छोटे सरकार। अच्छा, जल्दी से टोपी दे दो, बहुत देर हो गई। और देखो आज बड़े मार्केट का मुशायरा है, दुआ करना कहीं लुटिया न डूब जाए। आप घबराते क्यों हैं, लुटिया नहीं डूबेगी। तुम्हें यकीन है? खाली और हल्की लुटिया कभी नहीं टूटती। ओहो, फिर शरारत? देखिए बुआ, अल्लाह तुम दोनों को हमेशा इसी तरह खुश रखे। हाँ बुआ, खुदावंद करीम इन लोगों को हमेशा सलामत रखे। अब्बा अम्मा के इंतकाल के बाद अगर खाला जान ने मेरे सर पे हाथ ना रखा होता तो मुझ गरीब को ये खुशी कहाँ नसीब होती। अरे तुम कोई गैर हो बिटिया, खून एक हड्डी एक, अमीरी गरीबी तो उसकी देन। फिर भी बुआ, इस तरह दूसरों की मुसीबत कौन अपने गले डालता है। तुम तो ये रोने धोने की बातें तब छोड़ोगी जब तुम और छोटे सरकार शादी के बंधन में जकड़ दिए जाओगे। मैं तो दिन रात दुआ करती हूँ वो दिन जल्दी आए। मियाँ ये तो डबल प्रोग्राम का मौका है, मुशायरे का मुशायरा और बारात की बारात, वो भी तो आ रही है। कौन? सकीना? वो मेरे कलाम की बड़ी आशिक है बेचारे पर। चलो चलो। आदाब सर। आदाब सर, आगा जान की हवेली जा रहे हो? जी हाँ बजन। चलिए ना, आप भी तशरीफ बेच रहे नवाब साहब, आज ना मेरे भी तेवर देख लीजिए। आपकी जूतियों की तुफैल से वो गजल हुई है कि सबके चिराग गुल कर दूंगा। नहीं हुजूर मियां, आप चिराग गुल करने बतूले में और मैं अंधेरे का आदि नहीं। तो फिर आप यहीं तशरीफ रखिए, मैं लगे हाथ यहीं पढ़े देता हूँ। चलो भी, पहले ही बड़ी देर हो चुकी है। अब्बा जान इजाजत दीजिए। जाओ बेटे, खुदा कामयाब करे। ऐ बीच हम्मो, आप खुदा के लिए निकल भी चुके, हमारे जाने से पहले कहीं मुशायरा शुरू ना हो जाए। ऐसा क्या हुआ रोशन बीबी, घबराती क्यों है? परवाना साहब बड़े शायर हैं, उनकी बारी आखिर में आएगी। ऐ बीच हम्मो, देर हो गई तो चिलमन के करीब बैठने की जगह नहीं मिलेगी। हाँ रोशन बीबी, मैं भी मुशायरों में शेर सुनने नहीं शायरों को देखने जाती हूँ। मैं भी का क्या मतलब, यही कि दूर से बड़ा शायर भी छोटा लगता है। अच्छा अच्छा, चलो चलिए। रोशन आ रहा? जी अम्मी। जा रही हो बेटी तो मेरी तरफ से भी न्यास चढ़ा देना। न्यास? न्यास कैसी अम्मी, मैं तो मुशायरे में जा रही हूँ। क्यों रे झूठी,
तू तो कह रही थी रोशन बीबी दरगाह जा रही है। मुझसे गलती हो गई बेगम साहिबा, मैं तो समझती थी कि दरगाह में और मुशायरे में कोई फर्क नहीं, वहाँ कवाली होती है तो लोग वाह करते हैं और यहाँ शायर अपना कलाम सुनाते हैं तो लोगों को हाल आता है। हाल हाल साहिबा, तुझे क्या हो गया? ऐ परवरदिगार, रब्बुल इज्जत, उनकी कामयाबी मेरी कामयाबी है। तुझे मेरी मोहब्बत का वास्ता, परवाना साहिब के सर पर इज्जत और शोहरत का ताज रखकर मुझे सुरखुरू कर दे। आमीन। अर्ज किया है हुजूर। क्या आए तुम जो आए घड़ी दो घड़ी के बाद, क्या आए तुम जो आए घड़ी दो घड़ी के बाद, और सीने में होगी सांस अड़ी दो घड़ी के बाद। गर दम के दम वो हमसे मुलायम हुए तो क्या। क्या मुलायम मिश्रा है। शुक्रिया शुक्रिया। कई आगे गर दम के दम वो हमसे मुलायम हुए तो क्या, कह बैठेंगे फिर एक घड़ी दो। कल हमने उससे तरके मुलाकात की तो क्या, कल हमने उससे तरके मुलाकात की तो क्या। आगे पढ़िए। फिर उस बगैर कल न पढ़ी दो घड़ी के बाद। मियां वाह, अच्छी चीज लिखवा के लाए हो। अर्ज किया है परवाना गिर्द शमा के शब दो घड़ी रहा, फिर देखी उसकी खाक पड़ी दो घड़ी के बाद। गो दो घड़ी तक उसने ना देखा इधर तो क्या। कोई बात नहीं, शायरों के साथ ऐसा अक्सर होता है। आगे पढ़िए। वह आखिर हम ही से आंख लड़ी दो घड़ी के बाद। बैठ जाइए बैठ जाइए। अब आपके सामने नहीं नहीं, मैं एक बात कहता हूँ। शेर अर्ज है, बेकार किया करते हो तकरार वगैरह। आज करता हूँ, बेकार किया करते हो तकरार वगैरह, और मैं दो चार घड़ी आओ करें प्यार। जो बुला दो चिलमन के इधर आशिके नाशाद खड़े हैं। चिलमन के इधर आशिक नाशाद पड़े हैं। यहाँ पड़े नहीं है, पांच हाथ के खड़े हैं। हाँ साहब, चिलमन के इधर आशिक नाशाद खड़े हैं, और मियाँ चिलमन के उधर बैठ बैठे हैं। तो निगाहों से ना देखो। देखिए शिकायत है, अर्ज करता हूँ कि छुप छुप के मुझे मस्त निगाहों से ना देखो, और मियाँ कर देंगी मुझे भी ये गुनहगार वगैरह। वरना मैं भी जनाबे चिलगोजा की तरह बैठा जाता। क्या कर रहे हो, कमाल कर रहे हो। महफिल का रंग जमाओ। मख्तार है, हम कूचे दिलदार में सर फोड़ के मर गए। जरा तेवर देखिए। बड़ा नेक प्यार। अर्ज करता हूँ, हम कूचे दिलदार में सर फोड़ के मर जाए, और मिल जाए जो हुद हुद कोई दीवार। तुम दिल का भरोसा तो नहीं है, सच कहते हो तुम दिल का भरोसा तो नहीं है। महफिल में मचल जाए अब ऐसा तो नहीं है। कहते हो तुम भरोसा तो नहीं है। क्यों हटती नहीं पर्दे से
बेताब निगाहें क्यों हटती नहीं पर्दे से बेताब निगाहें पर्दे के उधर मेरी तमन्ना तुम्हें भी है पर्दे के उधर मेरी तमन्ना तो नहीं है सब हुस्न के कायल है मगर मेरी तरह से सब हुस्न के कायल है मगर मेरी तरह से बेदेखे किसी ने तुम्हें चाहा तो नहीं देखे किसी ने तुम्हें चाहा तो नहीं है क्यों झुकने लगी आंखें छलकने लगे सागर क्यों झुकने लगी आंखें छलकने लगे सागर मैं खाने के बाहर कोई प्यासा नहीं है मैं खाने के बाहर कोई प्यासा तो नहीं है आ जाओ के हम अपना जहां आप बसा ले आ जाओ के हम अपना जहां आप बसा ले दुनिया ये किसी काम की दुनिया तो नहीं दुनिया ये किसी काम की दुनिया तो नहीं है पर मानने लगे देख के वो दिल का तड़पना पर मानने लगे देख के वो दिल का तड़पना है दर्द मगर इतना ज्यादा तो नहीं है दर्द मगर इतना ज्यादा तो नहीं है परवाना गजल आज तेरी कर गई जादू परवाना गजल आज तेरी कर गई जादू ये फैज़ उसी मस्त नजर का तो नहीं है ये फैज़ उसी मस्त नजर का तो नहीं है सच कहते हो तुम दिल का भरोसा तो नहीं है महफिल में मचल जाए अब ऐसा तो नहीं है सच कहते हो तुम दिल का भरोसा तो नहीं है अब आया यकीन कि हम कितने बड़े शायर हैं शुक्रिया खुदा का जरा इन्हें भी तो देखो बिल्कुल दुल्हन मालूम होती हो हार फूल तो हर मुशायरे में मिले लेकिन आज मजा आ गया एक एक शेर पर आगा जान की हवेली वाह वाह के शोर से गूंज उठी आवाज यहां तक आ रही थी मजाक नहीं शमा ये मुशायरा हमेशा याद रहेगा ये मेरी दुआओं का असर है जो आपका नाम इतना रोशन है जाहिर है परवाने का नाम शमा ही रोशन करता है सुनो
इतना आजमाना था कि तुम सुनने पे मायल हो। लबों तक शर्म से आती नहीं है दास्तां में। बस अब आराम कीजिए, रात ढलने को है। रात ढलने को, लेकिन बात अभी अधूरी है। अगर मैं ये कहूं कि आज यह खूबसूरत हाथ ने मेरे दिल का दामन पकड़ लिया और छुड़ाने की कोशिश भी नहीं हुई मुझसे, तो इसे तुम क्या कहोगी? सादगी। और अगर मैं ये कहूं कि उस हाथ पे मैंने अपना सब कुछ लुटा लिया, तब क्या कहोगी तुम? सादगी कहें इसे दीवानगी कहें, वो सादगी कहें इसे दीवानगी कहें, उनका बड़ा जो हाथ यहाँ दिल लुटा दिया, उनका बड़ा जो हाथ यहाँ दिल लुटा दिया। पहल के दर्द की लज्जत न पूछिए, पहले पहल के दर्द की लज्जत न पूछिए, लज्जत न पूछिए। उठे जो दिल में हूक तो मैं मुस्कुरा दिया, उठे जो दिल में हूक तो मैं मुस्कुरा दिया, उनका बड़ा जो हाथ यहाँ दिल लुटा दिया, उनका बड़ा जो हाथ यहाँ दिल लुटा दिया। कौन सोचता है कि सजदा कबूल हो, सजदा कबूल हो, ये कौन देखता है कहाँ सर झुका दिया, ये कौन देखता है कहाँ सर झुका दिया, उनका बड़ा जो हाथ यहाँ दिल लुटा दिया, उनका बड़ा जो हाथ यहाँ दिल लुटा दिया। आंचल की ओट हो के न हो अब नसीब में, आंचल की ओट हो के न हो अब नसीब में, अब नसीब में। मैंने चराग आज हवा में जला दिया, मैंने चराग आज हवा में जला दिया, उनका बड़ा जो हाथ यहाँ दिल लुटा दिया, उनका बड़ा जो हाथ यहाँ दिल लुटा दिया। वो सादगी कहें इसे दीवानगी कहें, वो सादगी कहें इसे दीवानगी कहें, उनका बड़ा जो हाथ यहाँ दिल लुटा दिया, उनका बड़ा जो हाथ यहाँ दिल लुटा दिया। Yeah.
आ जाए जिसके हाथ में किस्मत बदल जाए, मुसाफिर राह क्या मंजिल से भी आगे निकल जाए। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, लेटे रहे तसव्वुरे जाना किए हुए। बीचम्मू कम से कम मिर्जा गालिब के शेरों की इसलाह ना किया करो, उन्होंने लेटे रहे नहीं बैठे रहे कहा है। रोशन बीबी बैठ के याद करने में वो बात कहाँ, आप अपने ही आप को देख लीजिए, किस मजे से लेटी परवाना साहब के ख्वाब देख रही थी। खुदा ना करे कि मैं किसी के ख्वाब देखूं, किसी के लिए अपनी नींदें खराब करूं। मुझे उनकी शायरी पसंद है, ख्वाब आप तुम देखो। पर मैं कैसे देखूं ख्वाब, अभी अभी तो आंख लगी थी कि दिलावर मियाँ ने आके जगा दिया कुंडी खटखटा के। भाईजान अगर बेवक्त लौटते हैं तो इसकी शिकायत अम्मी जान से करो, मेरे पास क्यों आ गई रोनी सूरत लेकर। जी मैं तो जरा ये किताब लेने आई थी। क्यों वो शेर दिलावर मियाँ से परवा कर जरा सुन लेती। दी छम्मो जी खुदा के लिए भाईजान से उस शेर का जिक्र भी ना करना। क्यों चिढ़ाते चिढ़ाते जान निकाल लेंगे मेरी। आज ना सही एक ना एक दिन तो सभी से कहना पड़ेगा, तभी तो शहनाइयां बजेंगी। बाबुल मोरा नैयर छूटो ही जाए। दिन क्या है बेटी? तस्लीम हुआ जी पियो हो खुश रहो, इतनी देर तक पहली दफा सोते देखा है तुम। इतनी मीठी नींद पहले कभी नहीं आई तो इन्हें रहने दीजिए, यही तो मेरी जिंदगी में बहार लाए। अल्लाह मुबारक करे तुम्हारे सहरे के फूल दिखाए, मैं भी तो सुनू क्या बात है। इन्हीं से पूछ लीजिए। फूलों की बात समझने के तुम्हारे दिन है बिटिया, मुझे तो तुम ही बता दो छोटी सरकार कुछ तो बोले। बहुत कुछ बोला, मैंने उनके दिल की धड़कन सुन ली, आंखों में अरमानों की चमक देख ली। उन्होंने उन्होंने मोहब्बत भरे गीतों की माला डाल दी मेरे गले में, और तेरी शान के सदके मौला कब से इंतजार था इस दिन का, मैंने तो छुप छुप के मन्नतें मांगी हैं आपके लिए। ये नई बात कैसी हुआ, आप मुझे आप कह रही हैं? अल्लाह रखे अब आप इस घर की बहू होने वाली हैं, अपने मालकन को आप ना कहो तो क्या कहो, कैसी बातें करती हैं। आप तो मेरी माँ है। दिलावर बेटा घर की इज्जत का तुम ही ख्याल करोगे तो और कौन करेगा। वालिद साहब के जमाने में जो बिजनेस था मेरी मेहनत के बदौलत अब वो दुगने से भी ज्यादा हमी जाता, और क्या करूं। घर की इज्जत से मेरा मतलब रोशन आ रहा था बेटा, उसके लिए किसी अच्छे घर भर की फिक्र करो, जवान बहन घर में बैठी हो तो भाइयों की नींद हराम हो जाती है। तुम मुझे रातों को चैन कहां अम्मी जान, इसी फिक्र में पलंग पर करवटें बदलने के बजाय मैं बाहर घूमने टहलने चले जाता हूं। आप शायद समझती हो कि मैं आवारागर्दी करता हूं। भाई जान कल रात आप बड़ी देर से आए, कहां थे? आगा जान के हवेली में। क्या आलिशान मुशारा था। अरे रोशन भी तो वहीं थी। अच्छा मैंने तो नहीं देखा इसे। आप मुझे कैसे देख लेते, मर्दों और औरतों के दरमियान चिलमन जो पड़ी थी। चिलमन ना भी होती तो भी मैं सर झुकाए बैठा रहता, आजकल के शोधों की तरह मुझे ताक झांक की आदत नहीं। अच्छा भाईजान भला आपको किसका कलाम ज्यादा पसंद आया? मुझे मैं तो मुशारा शुरू होने से पहले ही उठाया था, जिस मजलिस में लड़कियां वगैरह शामिल हो मुझे शर्म आती वहां बैठते हुए। ए रोशन तू जरा हट जा यहाँ से, मैं दौड़ी बात कर रही थी तेरे भाई से। मुझसे चोरी, ऐसी क्या बात है अम्मी? तुम्हारे सुनने की नहीं। जाओ यहाँ से। इस तरह रोब से कहेंगे तो मैं नहीं जाऊंगी। तो सुनो बैठ के, तुम्हारी शादी की बात हो रही थी। हटाइए भाई जान। आपको कचहरी अदालत से फुर्सती नहीं, परवेज मियां के बारे में किससे बात करूं? मैं तो खुद फिक्रमंद हूं बेगम, शमा और परवाने का बोझ सर से उतर जाए तो हम लोग खुशी खुशी हट को चले। आमीन सुम्मा आमीन। तो कर क्यों नहीं देते दोनों की शादी? बस तारीख मुकर्रर करना बाकी। अच्छा मुझे खबर भी नहीं, कहाँ कर रहे हैं बेटे की शादी? मेरा इंतखाब मामूली नहीं होता है बेगम, अपने को ही देख लो। हटिए भी,
पोतले मुझे चोचले अच्छे नहीं लगते। मैं पूछ रही थी परवेज मियाँ के लिए कौन सी लड़की पसंद की है आपने? मुझे कोई लड़की ढूंढना है, लड़की भी घर की, लिखी पढ़ी, खूबसूरत। उसका नाम क्यों नहीं लेते? कहीं मखमल में टाट का पैवन न लगा दीजिएगा। नहीं जीनत बेगम, मैं मखमल में मखमली का पैवन लगाऊंगा। नवाब बद्रुद्दीन का लड़का और नवाब लियाकत अली की लड़की। हाय हाय, ये प्यालियां किसने तोड़ डाली? अजीब अल्लाह, आप तो हाय हाय इस तरह से कर रही हैं कि जैसे प्यालियां नहीं किसी का दिल टूट गया। दिल ही टूट गया है नवाब साहब। दिल? किसका दिल? क्षमा बिटिया। क्षमा? उन्हें प्यालियां बहुत पसंद थी। ओ, हाँ। मेरे महबूब तुझे प्यार करूं या ना करूं, प्यार हो जाए तो इकरार करूं या ना करूं, प्यार हो जाए तो इकरार करूं या ना करूं, मेरे महबूब तुझे प्यार करूं या ना करूं। निशानी से तुम उसे ढूंढ सकते हो। हमारे अंदर यार, तुम्हारी अकल तो घात खाने चली गई है। भाई मेरे, आजकल की लड़कियों के असली दिल नहीं होता है, समझे? न जाने क्या क्या खुद यूं ही बना लेती हैं। तुम तो दीवाने हो। हो सकता है। हथेले पर कोई दिल नहीं बनाता। बहुत अच्छे भाई मेरे, तुम ऐसा करो, थाने चले जाओ। क्यों मियाँ, थाने क्यों चला जाऊँ? मियाँ इसलिए कि वहाँ बहुत से चोर उचक्कों के हाथ की फोटो होती है, मुमकिन है। छोड़ो,
जब से वो हाथ देखा है हर वक्त उसी की तस्वीर बसी रहती है आंखों में। अम्मा बरखुरदार, ये कोई जरूरी नहीं है कि जिसका हाथ खूबसूरत हो उसकी शक्ल भी खूबसूरत होनी चाहिए। मियां ये भी तो हो सकता है कि शक्ल पे कतरी झाड़ू फिरी हो। नामुमकिन। खुशबू का हल्का सा झोंका फूल का पता बताता है, रोशनी के मध्यम से लौ चिराग की निशानदेही करती है, तो हाथ की दिलकशी से चेहरे की दिलकशी का अंदाजा क्यों नहीं लगाया जा सकता? मियां तुम सचमुच शायर हो, समझे? मजनू ने लैला के साथ मदरसे में बरसों झक मारी, हजरत महिवाल ने सोने के सैकड़ों घड़े खरीद डाले, अमा औरों की छोड़ो, मैं सकीना की शेरों जलेबियां खा गया, तब कहीं जाकर जायका मालूम हुआ इश्क का। और एक आप है, तोले भर का हाथ देखा, आठ डेढ़ मन की लाश ढेर। मशवरे हो रहे हैं, हैं आपस में, भेजते हैं मुझे बनारस में, किसको कल बैठ के करोगे प्यार, किसकी लोगे बलाए तुम हर बार, कल गले से किसे लगाओगे, किसको यूं गोद में बिठाओगे। ये क्या पढ़ रही हूँ अम्मी? हाय हाय, मैंने कहा औरतों की तालीम पर एक नज्म है, वही गुनगुना रही थी आहिस्ता से, झाड़ू फिरे। लेकिन अम्मी ये जुबान तो मसनवी जहर इश्क की मालूम होती है। आए तौबा तौबा, तूने ये जहर इश्क का नाम कहाँ से सुना है? शरीफ बहु बेटियाँ ऐसी किताब को हाथ नहीं लगाती है, समझे? क्या हुआ सकीना है? कुछ नहीं अम्मी, बंदर है ऊपर। बंदर? झाड़ू फिरे कमेटी वालों पर, कहते थे मुँह में बंदर पकड़ेंगे। आप भाई कोई वोट लेने? अरे जल्दी जा, जाके देख बंदर कपड़े ना ले जाए। कोई छत पे एक दुपट्टा डाला था सूखने के लिए, ले आओ। ओए होए मेरा मुंह क्या देख रही है, जल्दी जा नहीं तो दुपट्टा ले जाएगा वो। गई ओए होए, बेईमान इतना बारीक बारीक छापते हैं कि पढ़ो तो दीदे ही फूट जाए। झाड़ू फिरे, अब कल पढ़ूंगी। अल्लाह अल्लाह, नौ वक्त कैसे आ गए मालूम नहीं, अम्मी घर में है। मैंने सोचा कि बियापा को एक दिन सास तो बनाना ही, फिर आकर साथ में चले से क्या फायदा। तो ये तेवर है आज, तो फिर चलिए जरा अपनी होने वाली सास से सलाम कराई ले लीजिए। इंशाल्लाह। लेकिन एक बात तो बताओ, मुशायरे में लड़की को किसका कलाम ज्यादा पसंद आया? मेरे अलावा सभी परवाना पर लट्टू थी। बड़ी बदजोक लड़कियाँ हैं। लेकिन मुझे तो सिर्फ आपकी गजल पसंद आई। इतने दर्द भरी शेर ना कहा कि दुश्मनों को तपेदिक हो जाए। अच्छा एक बात तो बताओ, तुम उस लड़की को जानती हो क्या नाम जिसकी हथेली पर यहाँ तिल? घाट में जाए लड़की और उसका तिल, कितने बुरे हैं आप। क्या मुशायरों में आप लड़कियों के तिल देखने जाते हैं? अजी सुनो तो। आ सकीना, अरे वो बंदर भागा के नहीं, या मैं आऊं बेलन लेके झाड़ू फिरे के लिए। तुझे किस तरह से पाऊं, बड़ी दूर है किनारा, मेरी जिंदगी है आंसू, तेरी जिंदगी सितारा। तुमने भी शायरी शुरू कर दी बिटिया? मैं क्या शायरी करूंगी बुआ, घुटी हुई फरियादों ने इजहार का एक रास्ता ढूंढ लिया है। तुमने मुझे माँ कहा है बिटिया, कहो तो बेगम साहबा से बात करूं। नहीं बुआ, आपको मेरे सर की कसम, बड़े घर में गरीब को आराम मिल सकता है, इज्जत नहीं। आपने मखमल मटाट का पैमल देखा है कभी? तो क्या जिंदगी भर यूं जलती सुलगती रहोगी? शमा का और काम ही क्या है। पुलिया वाले ओघड़ बाबा के पाँव पकड़ लिए और रोरो के साथ, और रोरो के कहा कि बाबा मेरे दोस्त की जिंदगी खतरे में है, उसे बचा लो और मेरी दोस्त की इज्जत रख लो। फिर क्या हुआ? उन्हें मेरी हालत पे तरस आ गया और उन्होंने मुझे
ओ, उन्होंने मुझे ये सुरमे की शीशी दी। सुरमा? हाँ, ये कोई मामूली सुरमा नहीं है, इसमें 11 नाखूनों के शेर हैं? नहीं, मेरा मतलब है 11 शेरों के नाखून, 21 सांपों के फन और 71 बिच्छुओं के डंक मिले हुए हैं, और इसको अमावस की काली रात में काला कंबल ओढ़ के काले पत्थर के खरल में घोटा गया है। इसकी खूबी ये है कि इसको आंखों में बसा के आप सबको देख सकते हैं, लेकिन आपको कोई नहीं देख सकता। पागल तो नहीं हो गए? चोगिया काम पर है। अलिफ लैला के जमाने का सुरमा इस जमाने में काम नहीं आता। या कुछ भी कहो, मुझे तो फकीरों की करामात पे यकीन है। निगाहें मर्द कामिल से बदल जाती हैं तकदीरें। मेरी मानो तो इस सुरमे की एक सलाई आंखों में फिरा के गली गली कूचे कूचे जाके अपनी महबूबा को ढूंढ लो। अच्छा, तो एक काम करो इरशाद, एक दफा इसे खुद आजमा के देखो। क्या मतलब? मतलब ये कि ये सुरमा अपनी आंखों में बसाकर बियापा के आंगन में घुस जाओ। माशाल्लाह। वो तुम्हें देख नहीं सकेगी और तुम आजादी से सकीना के दीदार कर लेना। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जा रहे हो ना? इंशाल्लाह। लो बहन, पान तो हर घर के खाए भी आपा, लेकिन जो तुम्हारे हाथ में मजा वो कहीं नहीं। आए है बहन, अल्लाह जन्नत नसीब करे सकीना के अब्बा को, एक एक गिलोरी पर 50-50 दफा मेरा हाथ चूमते थे। सकीना के लिए कोई लड़का तो देखा भी आपा? आए हाय, बड़े बड़े घरों से पैगाम आ रहे हैं, मुझे को कोई पसंद नहीं आता निकोड़ा। अब काम आते हैं या नबी। आए हाय, ये कौन मर्दुआ बुआ घुसा चला आ रहा है घर में? जी ठाई तो देखो मुए की कैसे घूर घूर के देख रहा है। अरे तेरे दीदे फूटे, तुझे ढाई घड़ी की आए, तेरी लाश में छे छे गज के कीड़े पड़े, क्या खाला भी का घर समझ रखा? सास क्या डाकू मालूम होता है? डाकू क्या, अभी इसके 36 टुकड़े कर दूंगी। क्यों रे झाड़ू फिरे? वहाँ कहाँ मरता है, दरवाजा इधर है। मगर वो किधर है? कौन तेरी अम्मा? दीवाने हो गए हो हुदूद? हैं? अरे तुझ पे अल्लाह की मार, यही वो निगोड़ा झाड़ू फिरा हुदूद है। आ तेरी तो आज मैं खबर देती हूँ। नाकारे आवारा, छोड़ दे। अभी तुम भी हद करती हो, उससे मैं दीवानी हो जाती, इतने बड़े शायर की दुर्गत बना डाली। अरे शायर की बच्ची क्यों रे, तू यहाँ क्या लेने आया था? कौन था यहाँ मुशायरा आ रहा है, क्यों आया? इन्हें मैंने बुलाया था अम्मी। अरे क्यों, मेरी इज्जत को मिट्टी में मिलाने के लिए, मोहल्ले भर में बदनामी करने के लिए, ये नाक कटवाने के लिए? नहीं अम्मी, तुम्हें जहर इश्क की मसनवी सुनवाने के लिए। ऐसा पढ़ते हैं कि कुछ ना कुछ। अरे बैठो बेटा बैठो, बेटी वाली होके हेकड़ी कैसी, तुम बैठो, मैं किताब लेके अभी आई। अब क्या खाक पड़ेंगे अम्मी, मार मार के तो तुमने बुरी हालत बना दी है बेचारों की। अब फिर किसी दिन से ठीक है भी आपा, इस वक्त आपको भी क्या मजा आएगा, धोखनी की तरह तो आप हाँप रही हैं। अरे क्या कहूँ बेटा, कमजोरी की ये हालत है कि डेढ़ कदम चलती हूँ और गिर पड़ती हूँ। वो तो जाहिर है। चलिए आपको ड्योढ़ी तक छोड़ रहा हूँ। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। हुदूद मियां फिर जरूर आना मुझे जहरे इश्क की मसनवी सुनाने के लिए। इंशा अल्लाह। ऐसी मार पड़ी है झाड़ू फिरे पर कि हड्डी पसली का सुरमा बन गया। आय हाय, मगर मेरे हाथ भी कुछ कम नहीं दुख रहा। चल तेल मार दे। ये क्या सूझी थी आपको? अजी क्या बताऊं, उस तेल वाली लड़की को ढूंढने का यही तरीका बताया था उस पुलिया वाले ओहर बाबा ने। खुदा समझे उस जालसाज को, ज्यादा चोट तो नहीं आई? अजी आई तो है, हड्डी हड्डी दुख रही है। अगर तुम्हें मेरी हालत पर तरस आता हो तो निल्ला मुझे बता दो पता उस लड़की का जिसे परवाना ने शेर लिख के दिया था। हो गया, 100% हो गया। क्या हो गया? छम्मो को नादान न समझिए रोशन बीबी, जब कोई लड़की आप ही आप शर्माए, आप ही आप मुस्कुराए, तो समझिए कि उसे किसी से प्यार हो गया। छम्मो, मैंने कहा मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बंदी जान पर खेल के भी मेरा सर न खाओ। जाओ मेरे लिए मोती का गजरा ले आ। गजरा? जलवे मेरी निगाह हमें दोनों जहां के हैं, मुझसे छुपेंगे आप ऐसे कहां के हैं? तू जाएगी या नहीं? चाहे तो रही थी रोशन बीबी कि निगोड़ा शेर याद आ गया।
कर दिया उस दिन आपने रोशन बीवी को। आप भी उनके साथ थी क्या? मेरी कदर के बारे में आपका क्या ख्याल है? शेर पसंद आया था आपकी रोशन बीवी को? उनका तो मुझे नहीं मालूम, पर मुझे बहुत पसंद आया। मुझे भी कुछ लिख दीजिए ना। कुछ क्या, आपको तो पूरा दीवान लिख दूंगा। मुबारक हो लीजिए परवाना साहब, तो आप तो पूरे मेहरबान हो गए। जी पर पूरा दीवान लेकर क्या चाटूंगी मैं? मुझे तो बस सिर्फ एक आध शेर लिख दीजिए, सोते जागते वही गुनगुनाती रहूंगी। अजी आप समझते नहीं है, देखिए दीवान को हथियाने के लिए तो लोग बाग सारा ससुरारी जोड़ते फिरते हैं, और उनके मर जाने के बाद दीवान को बेच बेच के पुश्तों की कमाई खाते हैं। ले लीजिए, मैं भी आपसे मजाक कर रहा हूँ। मिर्जा गालिब, हजरत दाग, आगा हश्र, सबके कैसे कैसे रिश्तेदार निकल आते हैं। मैं आपकी सबकी, तो मुझे भी लिख दीजिए ना एक दीवान, कागज लाऊं क्या? पहले आप मेरा एक छोटा सा काम कर दीजिए। फरमाइए, आपके लिए तो जान हाजिर है। अपनी रोशन बीवी की एक झलक दिखा दीजिए। ए शोभा, मेरी नाक छोटी कटवाएंगे क्या? मैं अपनी तबीयत से मजबूर हूँ। देखिए हाथ देखा था तो एक शेर कह दिया, सूरत देख लूंगा तो बस पूरा दीवान लिख दूंगा। अजी बस ये समझिए कि चुटकी बजाते में 10-12 हजार शेर कह देंगे। 10-12 हजार शेर? जी हाँ। अच्छा आप यहीं ठहरिए, मैं कोशिश करती हूँ। इंशाल्लाह। आप जाइए हुदूद मियाँ, अब यहाँ आपका कोई काम नहीं। तो अमा फिर मुझे काकुन अच्छी करके लाए थे संग में? अगर मैं अकेला चक्कर लगाता तो गली मोहल्ले वाले ये समझते कि मैं पागल हूँ या आवारा। बहुत अच्छी अमा, बड़े मतलब ये आ रहे हैं, मेरा नंबर आ चिलमन डाल दी है। बहुत अच्छे, कोई बात नहीं मियाँ, दीदार करो तुम्हारे दिन है। अरे जरा दीवार रोशन दीदी, क्या है? गजरा लाई मैंने लिए? जी वो तो मैंने ही लाई, अभी लाती हूँ। तो अब तक कहाँ थी? गली में एक ऐसा तमाशा हो रहा है, अपने आप ही कदम जम गए। तमाशा? कैसा तमाशा? कहने की नहीं देखने की चीज है रोशन बीबी, मैं इसीलिए पलट आई कि आप भी एक नजर देख ले। ना मैं नहीं देखती, बस एक नजर अपनी बांदी की खातिर, जी खुश हो जाएगा आपका। तुम पर गुस्सा भी आता है और हंसी भी। जरा एक नजर खिड़की में से झांक लीजिए। तमाशा गली में तो कोई भी नहीं, देखने वालों ने देख लिया होगा। हाँ बीबी, तमाशा तो खत्म हो गया, कहीं दूर न निकल जाए। कौन? वही जादूगर। जादूगर कौन? मैं आपके लिए गजरा लिया। हाँ जाओ फिर, ना किसी तमाशे की खबर ले आना। हर रोज हसीनों का दीदार नहीं होता, ये तूर का जलवा है हर बार नहीं होता। आपसे प्यार हुआ जाता है, दुश्वार हुआ जाता है, आपसे प्यार हुआ जाता है। हर कैद से घबराता था, खुद गिरफ्तार हुआ जाता है, खुद गिरफ्तार हुआ, हो खुद गिरफ्तार हुआ जाता।
से प्यार हुआ जाता है। लताफत का शाहकार हो तुम, फकत बहार नहीं हासिले बहार हो तुम। हला मैं बुआ, बुआ क्या हुआ बिटिया? बहुत खुश हो बुआ? आपके छोटे सरकार ने आसमान से तारे तोड़कर टांग दिए हैं मेरे आंचल में, रबिया को आफ्ताब बना दिया है। क्या क्या लिख डाला है मेरे बारे में देखिए ना। अरे मैं पढ़ना क्या जानू, काला अक्षर भैंस बराबर, तू ही सुना। गुरूर कलियों का फूलों का इनके साथ अल्लाह शुरू माती है बुआ, मुझे नहीं सुनाएगा। परवाना आने ना पाए हो,
आगे सोच मन आरज़ूए बनी जा रही है दुल्हन जिंदगी ज्यादा देर तक इंतजार नहीं कर सकता मेरा जहां जी चाहेगा वहां मैं तुम्हारा निकाह पढ़वा दूंगा अब्बा जान शादी में देर सवेर नहीं देखी जाती ये जिंदगी का सौदा है शादी क्या है ये मुझे समझाने की कोशिश न करो अरे मियां आज तक हमारे खानदान में छोटों की शादी बड़ी तय करते आए और खुदा के फजल से तलाक की नौबत कभी नहीं आई जमाना बहुत बदल गया है अब्बा जान क्या मतलब अब कोई दो बेजोड़ परिंदों को एक पिंजरे में बंद करना पसंद नहीं करता वाकई जमाना बहुत बदल गया है पहले शादी के बाद मोहब्बत शुरू होती थी और अब शादी पर खत्म होती है शादी अगर फांसी का फंदा हो जाए तो उसे तोड़ देना कोई बुरी बात नहीं अरे भाई इसकी नौबती क्यों है मोहब्बत तो हैवानों को भी राम कर लेती है औरत तो फिर पिघलावा सोना है जिस सांचे में चाहो उसे ढाल लो लेकिन ये परखने के बाद ही मालूम हो सकता है कि जिसे हम सोना समझते हैं वो पीतल तो नहीं तुम लोगों को अपने ऊपर भरोसा क्यों नहीं मालूम नहीं ये नई दुनिया किधर जा रही है जिसको देखो डरा हुआ जिसको देखो सहमा हुआ आखिर ये कौन सा खौफ है जो पूरी नस्ल को खाया जा रहा है गुस्सा की माफ अब्बा जान आपकी ये दलीलें मेरी राय नहीं बदल सकती
मैं तो यहां तक तैयार हूं बेटा। अगर तुमको अपनी पसंद की किसी लड़की से शादी करना है तो मैं वहां पैगाम भिजवा दूं। जी तुम्हें पसंद है कोई लड़की? जी हाँ। तो बदलाते क्यों नहीं बरखुरदार? क्या आता पता है लड़की वालों का? अभी मुझे यही पता नहीं है अब्बा जान कि वो लड़की भी मुझे पसंद करती है या नहीं, और जबरदस्ती की शादी मुझे मंजूर नहीं। किस सोच में है बेगम साहिबा? जब से परवेज मियां की शादी की बात छिड़ी शमा भी उदास है और परवेज मियां भी। इस तरह चुप चुप पहले तो कभी ना थे दोनों। अल्लाह रखे, एक शमा है और दूसरा परवाना। क्या मतलब? परवाना बेकरार हो तो शमा भी खामोश रोया करती है। मैं समझी नहीं। औरत जात दिल का घाव भी चुपचाप सह लेती है, मर्द उंगली की खराश भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। छोटे सरकार जो चाहते हैं वो न हुआ तो अल्लाह जाने क्या होगा। वो क्या चाहते हैं परवेज मियां बताते भी तू नहीं। शायद उन्हें नवाब लियाकत अली की लड़की पसंद नहीं, वो किसी और को चाहते हो। हाय अल्लाह, इतनी सी बात के लिए खुद नाखुश रहकर माँ का दिल तड़पा रहा है। परवेज मियां जिस लड़की को पसंद करते हैं मैं उसी को अपनी बहू बनाऊंगी। सच बेगम साहिबा? हाँ जी सर, बेटी की खुशी से बढ़कर माँ को और क्या चाहिए। मैं अभी शमा को भेजती हूँ, वो खुद जाके पूछ लेगी कि परवेज मियां को कौन सी लड़की पसंद है। हम उन पर फिदा हैं वो चाहे न चाहे, नजर अपनी अपनी, पसंद अपनी अपनी। ऐसी कौन बदनसीब होगी जिसे आप चाहें और वो आपको न चाहे। ये और बात है कि किसी की पसंद बेजबान हो। सिर्फ मेरी बात नहीं शमा, उनकी राय तमाम शायरों के मुतल्लिक खराब है। ये आप किसकी बात कर रहे हैं? रोशन। तुम्हें क्या हुआ? चोट तो नहीं है? जी जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम छुपा रही हो? जी। किस सोच में पड़ गई तुम? मैं कुछ नहीं, मैं क्या सोचूंगी। मैं सोच रही थी पैगाम भिजवा दीजिए ना। डरता हूँ उधर से इनकार ना हो जाए। मुश्किल तो यह है उन्हें मेरी तड़प का अंदाजा नहीं, और इतनी दूर से उन्हें मेरी तड़प का अंदाजा हो भी नहीं सकता। तड़प का अंदाजा तो कुछ लोग करीब रहकर भी नहीं लगा सकते। मेरा मतलब है आपकी शायरी से उन्हें सब अंदाजा हो जाएगा। मेरी शायरी वहां तक पहुंचे कैसे? ऐसा कौन है जो मेरे ख्वाब अपनी आंखों में, मेरे अरमान अपने दिल में छुपा के ले जाए और मेरे दिल की बात रोशन के दिल तक पहुंचा दे। मुझ बदनसीब को आप इस काबिल भी नहीं समझते। तुम जाओगी? तुम मिलोगी रोशन से? क्यों नहीं, आपको वो पसंद है तो उनसे मिलकर मुझे कितनी खुशी होगी इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। मुझे यकीन है रोशन से मिलकर तुम्हें बहुत खुशी होगी और मेरे इंतखाब की दाद देना पड़ेगी। ठहरो, मेरी एक नज़्म भी ले लिया, मौका मिले तो सुना देना। जी नज़्म की जरूरत नहीं, आपका हर शेर मेरे दिल पर नक्श। शमा, तुम्हारे ये एहसान मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। शुक्रिया। मस्त आंखों में शरारत कभी ऐसी तो न थी, यूं ही शर्माने की आदत कभी ऐसी तो न थी। ये किसका शेर है बीबी? परवाना साहब का, बड़ी खूबसूरत गजल है। परवाना साहब की गजल ना गाया करें बीबी, वो बड़े फरेबी आदमी है। तुम्हें क्या फरेब दिया उन्होंने? कहते थे पूरा दीवान लिख दूंगा, फिर ऐसे गायब हुए कि। तुम्हें कहाँ मिले थे? मुझे अल्लाह का बसाया हुआ इतना बड़ा शहर है, रास्ता चलते हो ही जाती है मुलाकात। लेकिन रास्ता चलते कोई किसी से दीवान लिख देने का वादा नहीं करता। सच बता क्या बात है बीबी? आप तो जानती हैं मैं बड़ी रहमदिल हूँ, वो आपके दीदार के लिए तड़प रहे थे। तो इसलिए तुम इससे मुझे खिड़की में ले गई थी? आज से तौबा करती हूँ, ऐसी खता फिर कभी नहीं होगी। मैं तो समझी थी ये सवाब का काम है। खैर मैं तो माफ कर देती हूँ।
लगता है तो चेहरे पे निखार आता है, वो तो वो है मुझे अपने पे प्यार आता है, वो तो वो है मुझे अपने पे प्यार आता है। जैसी अब है मेरी हालत कभी ऐसी तो ना थी, कभी ऐसी तो ना थी, कभी ऐसी तो ना थी। रोशन आ रही यहाँ जा रही है? खुदा का नाम लेकर जाओ शमा, मेरे मुतालिक उनकी राय बदल जाए। कहते तो हैं कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। बहकी बहकी हुई नजरों का सलाम आता है, दिले बेताब उनका पयाम आता है, दिले बेताब है जो अब मुझ पे इनायत, कभी ऐसी तो ना थी, कभी ऐसी तो ना थी, कभी ऐसी तो ना थी। मस्त आँखों में, मस्त आँखों में शरारत। क्षमा है, आप तो मुझे नहीं जानती लेकिन मैं आपको अच्छी तरह पहचानती जी। परवाना साहब की गजलों में आपको बारहा देखा है। मुझे? जी हाँ, उनकी शायरी की रूह है आप। मैं? जी, आजकल वो आप ही पर नज़में लिखा करते हैं। और मैं? आप कौन हैं परवाना साहब की? यूं समझिए कि वो मेरे मालिक हैं। तशरीफ रखिए। तौबा, फिर आ गई तू? आए हाय, मैं आप दोनों की बातें किसी से कहूंगी थोड़ी ही। चल निकल यहाँ से। चाह तो रही हूँ रोशन बीबी, गुस्सा क्यों कर रही हैं आप? लीजिए चलिए। ये बड़ी दीवानी है परवाना साहब की। कोई उनका दीवाना हो, कोई उनका आशिक हो, वो तो सोते जागते आप ही के ख्वाब देखते रहते हैं। आप इसे अपनी दुनिया रोशन करना चाहते हैं। मैं शमा तो नहीं हूं? खुशी की बज़्म में क्या जिक्र जलने वालों का। आप भी किसी से मोहब्बत करते हैं? जी, जिस दिल में मोहब्बत ना हो वो बदतर है। देखिए ना, इसे मोहब्बत ही का करिश्मा कहना चाहिए कि परवाना साहब ने एक ही झलक से आपकी ऐसी तस्वीर बनाई है कि तस्वीर? जी हाँ। तो क्या उन्होंने शायरी छोड़कर मुसव्वरी शुरू कर दी? तस्वीर सिर्फ रंगों से ही नहीं, लफ्जों से भी खींची जाती है। और ऐसी ही एक तस्वीर लेकर मैं आपके पास आई हूँ। मुझे दिखाने के लिए? जी नहीं, सुनाने के लिए। बैठिए। शगुफ्तगी का लताफत का शाहकार हो तुम, फकत बहार नहीं हासिल बहार हो तुम। लताफतों की तमन्ना नज़ाकतों की मुराद। Guru
غرور کلیوں کا غرور کلیوں کا پھولوں کا انکسار ہو تمہارے جسم میں آبیدہ ہے ہزاروں راگ نگاہ چھیڑتی ہے جس کو ستارو ہو تم جسے اٹھا نہ سکے جستجو وہ موتی ہو جسے نہ گوند سکے آرزو وہ ہارو ہو تم جسے نہ بوجھ سکے عشق وہ پہلی وہ قرار چھین لیا قرار چھین لیا جس نے وہ قرار ہو تم اما کمال کر دیا دلاور میاں زہر کھلوا دیا حسینوں کو مار ڈالا تماشبینوں کو کیا ہوا باقی میاں اما یہ پوچھو کیا نہیں ہوا دو دن سے رو رو کر برا حال کر لیا ہے گوہر جان نے اما چلو خدا کے واسطے جلدی چلو اما دم تو لو تو ان کی اس نظم کا جواب نظم نے دی تھی فقط بہار نہیں حاصل بہار ہو تو اس کا جواب صرف شکریہ تو کچھ بھی نہیں آپ تو نصیب والی ہیں یہ آرزو بھی پوری ہو جائے گی کیسی ہو زینت بیگم اللہ کا شکر ہے یہ نگوڑیاں کل سے ہی پھڑک رہی تھی یہ کیا دیا آپ صدقہ عزیزم یہ صدقہ کا روپیہ اٹھا لو کسی فقیر کو دے دینا ارے تو رہنے دے میں خود ہی کسی یتیم خانے میں بھیجوا دوں گی بھول نہ جانا بھی آپ ارے تیرے منہ میں خاک میں کیا صدقہ یا خیرات کھانے والی ہوں بس آج سے یہ گھر بھی چھوٹا ٹھہرا بھی آپ تم ذرا ذرا سی بات پر خفا ہو جاتی ہو اسی لیے سب چڑھاتے ہیں تمہیں میں تو کھڑے کھڑے ایسے گھر میں پانی بھی نہ پیوں جہاں میری عزت نہ ہوتی ہو میں نے کہا ایک گلاس پانی تو منگا دو کیا کہوں غصے کے مارے پیاز بھڑک اٹھی نگوڑی عزیزم پانی لیا بیٹی والی ہو کر ہیکڑی کیسے یا اللہ رحم یا اللہ رحم یا اللہ رحم کر میں نے کہا زینت بیگم اب تو اپنے بچے کی شادی کر ڈالو کم سے کم بہو کو خدمت کرنے کا موقع تو ملے گا بات تو چل رہی ہے نواب لیاقت علی کی بیٹی سے ہے کیا مت ماری گئی ہے وہ تو ایک ٹانگ سے لنگڑی ہے کیا کہتی ہو تم نے دیکھا ہے اسے بس میری زبان نہ کھلواؤ مجھ میں کسی کی لگائی بجھائی کی عادت نہیں ہے ارے وہ تو کسی کے ساتھ بھاگ رہی تھی سیڑھیوں پر سے گر پڑی بس اسی روز سے اس کی ٹانگ بیکار ہو گئی سچ ہاں تمہاری جان کی قسم تیری شان کے صدقے آتے ہیں نواب صاحب پوچھتی ہوں ان سے آئے ہے خدا کے لیے میرا نام مت لینا زینت بیگم ورنہ بلا وجہ کا بیر پڑ جائے گا کیسا زمانہ آ گیا ہے اچھی لڑکی چراغ لے کے بھی ڈھونڈنے سے نہیں ملتی ایک بات کہوں زینت بیگم برا نہ ماننا زینت بیگم یا تو دھن دولت لے لو یا پھر اچھے گھر کی لڑکی اللہ بخشے مرحوم وصیت کر گئے تھے کہ سکینہ کو پروانہ صاحب کی کنیزی میں دینا مگر برا ہو اس غریبی کا جو تم سے آج تک بات کرنے کی ہمت ہی نہ ہوئی امیری غریبی کی بات نہیں دیا پا آج کل اولاد کی مرضی دیکھنی پڑتی ہے ہم کچھ سوچتے ہیں اور پروانہ صاحب کچھ اور ان کی خبر آنے میں بڑی دیر ہو گئی دنیا ہماری آنکھ میں اندھیر ہو گئی سبحان اللہ کیا کہنا یہ شعر تم ہی نہیں کہا ہے جی نہیں اچھا تو کسی دوسرے شاعر کا شعر پڑھ رہے تھے جی ہاں نہ جانے کیسے یاد آ گیا جس حالت میں شاعر خود ہوتا ہے ویسے ہی اسے دوسروں کا شعر یاد آ جاتا ہے جی کس کی خبر آنے میں بڑی دیر ہو گئی صاحبزادے جی شمع کی شمع جی نہیں ابا جان شمع کی خبر کہاں سے آتی وہ تو یہی ہے نہ جانے میری زبان سے کیا کیا نکل رہا ہے یہ بیماری اچھی نہیں ہے بیٹے تم مجھے صاف صاف کیوں نہیں بتلاتے کہ وہ لڑکی کون ہے جو تمہارے دل و دماغ پر اس طرح سے چھائی ابا جان میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ زبردستی کی شادی مجھے منظور نہیں آپ شاعر بعد میں ہیں پروانہ صاحب پہلے اس گھر کے باہر چراغ
बेटा तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारी अम्मी और मैं तुम्हारा सेहरा देखने की क्या क्या हसरतें लिए बैठे। आज मेरी मोहब्बत के फैसले का दिन है अब्बा जान। रोशन जी भाईजान बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं? कोई इत्र के शीशे उठा लाए होंगे। गलत। ये देख घड़ी बहुत खूबसूरत है। और ये भी बहुत खूबसूरत है। ये किसके लिए है? शायद तुम अपनी किसी सहेली वहेली को देना चाहो। मेरा मतलब है कि ये मैं शमा को दे दूंगी। अच्छी लगेगी उसकी पलाई में? क्यों नहीं, बड़ी खूबसूरत है वो। अच्छा खूबसूरत है तो हमारी दोस्ती करा दो उनसे। पुकारो अम्मी जान को, अब तो ये घड़ी शमा को कभी नहीं दूंगी। तुम्हारी मर्जी, लेकिन इतना तो बता दो ये शमा है कौन? परवाना साहब की कोई है। आदमी बड़ा हुस्न परस्त मालूम होता है। बहुत ज्यादा। आप भी शायर होते तो कितना अच्छा होता। अजी तोबा करो, शायरी बड़ी मनहूस चीज है, तमाम अच्छे शायर भूखे मरते हैं। अंगूर खट्टे हैं। देखो मुझे गुस्सा ना दिला वरना तुम्हारी शादी किसी शायर से कर दूंगा। हाँ अल्लाह करे आपको जल्दी गुस्सा आ जाए। लेकिन तुम्हें क्या पड़ी है कि गजल खुद लिखो और रोशन के नाम से परवाना साहब को सुनाओ? यही कि जब तक उन्हें रोशन की मोहब्बत का यकीन नहीं आएगा वो पैगाम नहीं भिजवाएंगे। हाँ अल्लाह, तुम्हें उनकी शादी की जल्दी क्या है? वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना हो नामुमकिन, उसे खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। खुदा जाने ये सब क्या सूझ रहा है तुम्हें। आप जाइए बुआ, मुझे गजल मुकम्मल करनी है। धड़कते दिल की तमन्ना हो मेरा प्यार हो तुम। जो दर
की यादगार हो तुम, धड़कते दिल की तमन्ना हो मेरा प्यार हो तुम, मुझे करार से बेकरार हो तुम, धड़कते दिल की तमन्ना हो मेरा प्यार हो तुम। शमा, शमा, मुझे ऐसा लगा जैसे तुम नहीं रोशन मेरे करीब आकर दूर चली गई। अभी अपनी नज़्म सुना रही थी, अभी गायब हो गई। आप शायर हैं ना? हाँ, नज़्म पसंद आई आपको? ये शायरी नहीं, जादू है। उनका एक एक लफ्ज, एक एक हर्फ दर्द, खुलूस और प्यार में डूबा हुआ है। मैं अब तक सिर्फ उनके हुस्न का दीवाना था, अब तो उनकी शायरी के आगे भी सर झुकाना पड़ेगा। रोशन मुझसे भी बड़ी शायरा, शर्म हया के पर्दे में अपनी मोहब्बत को चुपचाप आंसुओं से सींचते रहे, सिर्फ औरत का काम है। और ऐसी औरत मोहब्बत ही नहीं परस्तिश के काबिल है। तुम चुप क्यों हो शमा? क्या रोशन-आरा की तारीफ तुम्हें पसंद नहीं? माफ कीजिएगा, आपके इंतखाब की दाद देना तो मैं भूल ही गई। अब खालू जान से कह के पैगाम भिजवा दीजिए। मैं भी कहता हूँ। तुम तो आसमान से चांद तोड़ लाई बेगम। ऐ है, खुदा नजरे बद से बचाए। लो बुआ, आपकी तस्वीर इस कमरे में है, ये तो आप जानते हैं। आप मेरे दिल में भी हैं, ये आपने कभी नहीं जाना। अब आप सिर्फ मेरे दिल में रह सकते हैं, कमरे में नहीं। कैसी लगी बहू बिया का? हाँ, है तो आदमी का बच्चा, सूरत शक्ल भी खासी है। अब सीरत में अच्छी हो तो खुदा का लाख लाख शुक्र अदा करना। दुल्हन बनकर चार चांद लग गए रोशन में, चार चांद लग गए रोशन में। अरे कल मुई कहा था जरा होंठों पे लाली ढेर सारी थैले काजल लगा ले चली आई घर से। चल घर, ऐसे नहीं, पहले मुंह दिखाई दो। माशाल्लाह बहू, शमा ने सबसे बड़ी मुंह दिखाई दी। लगे हाथों शमा के भी हाथ पीले कर दो जिनत बेगम। खुदा जाने इस बेचारी की तकदीर में क्या लिखा हुआ है। यास के दर पे झुका जाता है सर्राज की राह, यास के दर झुका जाता है सर्राज की रात। नींद क्या मौत न आएगी इधर राज की रात, नींद क्या मौत न आएगी इधर राज की रात। जब आए हो तब आया है बहारों का बयान,
आए हो तबा है बहारों का बयान रश्क जन्नत नजराने लगा घर आज की रात रश्क जन्नत नजराने लगा घर आज की रात चांद से कह दो चांद से कह दो के दे खे ना इधर आज किरा देखे ना इधर आज किरा चांद से कह दो सहरा प्यास मेरी सागर सागर तेरा रस जितनी मन में भड़की है कम से कम इतना तो बरस मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सो तोर तेरा तुझको सौंपते का लागत है मोर खुमार आलूदा आंखें बल जबी पर दर्द है सर में रहे तुम रात भर बेचैन कम्बक के घर में ये फितना आतिशे उल्फत का पहुंचेगा न महशर में लगी है आपके घर से बुझेगी आपके घर में वाह वाह कितना अच्छा मजाक है तुम्हारा मैं तो अपनी किस्मत पे नाज करता हूँ जैसा रूप वैसा जहन काश मैं भी शायर होती अब और कितनी बड़ी शायर होना चाहती हो मैंने शमा के मुंह से तुम्हारी पहली गजल सुन के कह दिया था कि तुम मुझसे भी अच्छी शायरा हो आपको आपको याद है वो गजल अपनी मोहब्बत का पहला जवाब भी भूल सकता है कोई क्या जज्बात थे जहे नसीब अता की जो दर्द की सौगात वो गम हसीन है जिस गम के जिम्मेदार हो तुम आप इसे शायरी समझते हैं सिर्फ शायरी नहीं जादू ये ना शायरी है ना जादू एक मासूम दिल की खुटी खुटी
दबी दबी आवाज, और हम इस आवाज के शहीद। खुदा ना करे। छोटे सरकार ने कहा है आप तशरीफ रखिए, वो अभी आते हैं। हम उस भले आदमी से कहो कि बाहर एक पलंग डलवा दे, मुझे बैठे बैठे नींद आने लगी है। अच्छी दोस्ती है यार, ढंग तुम्हारी कहाँ फंस गए। अब तो तुम अकेले हो गए हो। आधा भर दे, अब तुम भी अपनी शादी कर डालो। जी ऐसी तो कोई बात नहीं हुजूर, बहुत दूर की सोच लेते हैं। अर्जी है कि शादी करीब करीब पक्की हो चुकी है, लेकिन। लेकिन क्या? जी अर्जी है कि आप तो जानते हैं बीबी के लिए मकान चाहिए, और मकान की कितनी किल्लत है आजकल। ओ तो ये बात है। जी हाँ। तशरीफ रखिए, और इसी मजमून पर एक नज्म कह डालिए, इतनी देर में परवाना साहब जाग उठेंगे। जी हाँ, मैं इसी काम का हो गया, हर बात पे गजल कहूँ बहुत अच्छे। अम्मा पता ही लोगों क्या हो जाता है, शादी हुए देर में भी भाई लोग यारों को भूल जाते हैं, दिन में पड़े सोते रहते हैं। कमाल है। बजा लाता हूँ हुदूद मियां। जीतो रहो बरखोदार, जीतो रहो। अम्मा बड़े अहदी हो गए यार हैं, दिन चढ़े तक पड़े सोते रहते हो, कमाल है। कोई पूछने वाला नहीं है, हैं? खैर कोई बात नहीं, मैं ये पूछने के लिए आया था कि वो शाम को जो कंपनी बाग में मुशायरा है, मियां वहां चल रहे हो? नहीं मियां, कौन अपनी रात बर्बाद करे। बहुत अच्छे। अम्मा शादी होते ही शायरी को तलाक और यारों को हरी झंडी है। तुम अभी कुंवारे हो हुदूद मियां। अल्हम्दुलिल्लाह। और शायद हमेशा कुंवारे रहोगे इंशाल्लाह। मैं तुम्हें अपनी हालत कैसे समझाऊं? जब से तुम्हारी भाभी ने मेरी दुनिया रोशन की है, मैं चांद सितारों से भी बेनियाज हो गया। अरे नौजवान आज क्या है, जाओ। आधा वर्ष परवाना साहब। आधा वर्ष बेगम साहबा ने दुआ कही है और मिजाज पूछा है। खुदा का शुक्र है। अंदर जाओ। वो मेरा दीवान कहाँ है? कह दिया ना, अंदर जाओ। वाह परवाना साहब, मतलब निकल जाने के बाद अच्छी आंखें फेर ली आपने। मियां परवाना साहब, ये हरकत आपकी अच्छी नहीं है कबला। आए हाय, ये कौन बोल पड़ा बीच में? ये हुदूद साहब हैं। हुदूद? जी हाँ, आधा वर्ष है। मैं तो समझे कोई मर्द है। बदतमीज कहीं की, मियां तुम्हारे ससुराल में सब ऐसे ही है? नहीं, ये बहुत शौक है। तो फिर मुबारक हो यार, कहाँ चले? अमर ठहरो भी, इतनी जल्दी क्या है? मियाँ जल्दी मुझे तो नहीं है, अलबत्ता तुम्हें जरूर जल्दी होगी अंदर जाने की। हाँ थी तो सही, लेकिन ये बीच छम्मो जो आन टपकी कबाब में हड्डी बनकर। बहुत अच्छा, तो हुजूर ने मुझे डोम और मिरासी समझ रखा कि दिन भर में बैठा हुआ आपका दिल बहलाता रहूंगा। मियाँ कान खोल कर सुन लो, मैं खालिद शायर हूँ, खालिद समझे, मेरे भाग चाहने वाले हैं। खुदा हाफिज। भाईजान से कहना कभी सूरत तो दिखा जाए बेगम को, वो तो खुद ही आना चाहते थे और फिर मुझे भेज दिया। शमा कहाँ है? आई हूँ तो जरा उन्हें भी सलाम कर लो, अभी बुलवा देती हूँ। आप क्यों बुलवाएंगी यहाँ, मैं खुद ही ढूंढ लेती। अंदर आ सकता हूँ? आइए आइए, मैं तो शमा बीबी से मिलने जा रही हूँ। हाँ हाँ जरूर जाओ, बरामदे की सीढ़ियाँ चढ़ोगी तो उनका कमरा मिल जाएगा। शुक्रिया। अम्मी जान बहुत बेचैन है मेरे लिए, आप कहें तो एक दो दिन के लिए चली जाओ। नहीं नहीं, मेरे जी नहीं लगेगा, तुम रह सकोगी वहां मेरे बगैर? आपकी तस्वीर ले जाऊंगी। ये इतनी बड़ी तस्वीर देखकर दिलावर भाई क्या कहेंगे? छोटी तस्वीर भी है मेरे पास। ये देखिए। ये तुम्हें कहां से मिली? ये तस्वीर तो शमा के पास थी। शमा ही ने मुझे दी, वो दिखाई। अब ये तस्वीर मेरे सिवा कोई नहीं रख सकता। कह तो दिया कि मैं नहीं रख सकती, ले जाओ ये इधर, और अब ये तकलीफ कभी ना करना। तकलीफ कैसी बीबी, मुझे तो दो चाहने वालों को मिला के बड़ी खुशी होती है। चुम्मे मुझे क्या समझा है तुम्हारे दिलावर ने? अगर वो रोशन का भाई ना होता तो मैं गुस्सा क्यों करती है शमा बीबी? दिलावर मियाँ के ऐसा लड़का नहीं मिलेगा। देखो छम्मो, मैं फिर कहती हूँ कि चली जाओ यहाँ से, दोबारा तुमने किसी का नाम लिया। अच्छा, तो नाम नहीं लेती, पर ये इत्र तो रख लो, नहीं तो दिलावर मियाँ बिगड़ेंगे मुझ पर। मैं फिर कहती हूँ शमा, परवाने की तरह मन लाएंगे तुम पर। चली जाओ यहाँ से, अल्लाह के वास्ते चली जाओ, खुदा के वास्ते यहाँ से चली जाओ। करो मुझे परेशान मत करो। हाय हाय, झाड़ू फिरे इन मुंडी कांटों पर, सारी सड़कें खोद कर रख दी। क्या हुआ बियापा? क्या कहूँ बहन, टांगा उलट गया। दिलावर मियाँ कहाँ है?
अभी अभी बाहर गए हैं बांके मियाँ के साथ। हाय हाय अल्लाह की मार इन दोस्तों पर। वही गए होंगे गौहर जान की यहाँ। हाय अल्लाह ये क्या कह रही हो? मैं क्या, सारी खुदाई यही कह रही है, जहाँ जाओ दिलावर मियाँ और गौहर जान के चर्चे हैं। अच्छा किया बियापा तुमने मुझे होशियार कर दिया, आ जाने दो, ऐसे कान उठूंगी ऐसे कि बस। ना 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 ना, भड़का घोड़ा और बिगड़ा लड़का जोर जबरदस्ती से काबू में नहीं आता, पाँव में बेड़ी डाल दो। हाँ जोरू आके सब हेकड़ी निकाल देगी। बिरयानी, बिरयानी की खुशबू आ रही है क्या? छम्मो जी बियापा के लिए बिरयानी लाओ। छम्मो बस थोड़ी सी लाना, सच कहा है किसी ने दाने दाने पर मोहर होती है। बियापा जी तुम्हारा तो हर एक घर में जाना आना होता है। हाँ। दिलावर के लिए कोई लड़की देखो ना, कहाँ से ढूंढू तुम्हारे लिए बहू, जब से ये निगोड़ा बायोस्कोप निकला है घर घर में लैला मजनू का नाटक होने लगा है। लो बियापा ले आई, इतना सब क्यों ले आई? ये तो थोड़ा सा वापस ले। नहीं 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 रहने दे रहने दे, मैंने कहा रिजक वापस करना अच्छा नहीं बेटा, बुरा मानता है अल्लाह। सकीना मेरी बेटी है इसलिए नहीं कह रही, ईमान की बात तो ये है कि लाखों में एक है मेरी बच्ची, खाने में पिरोने में सीने में पहनने में किसी चीज में भी कम नहीं है। बिरयानी पसंद आई भी आपा? जाओ तेरे डालडा जी की ऐसी आदत पड़ गई कि अब तो खालिद जी अच्छा ही नहीं लगता। भी आपा जी तुमने सकीना की बात निकाली थी ना? हाँ यही तो मैं कह रही थी, आजकल का जमाना नकली चीजों का है, मेरी सकीना में वो चमक धमक तो नहीं, मगर इतना कह देती हूँ मुट्ठी में रखेगी खसम को। पानी नहीं पियोगी बियापा? झाड़ू फिरे तेरे कलेजे में क्यों दर्द हो रहा है हथनी है? तू तो जैसे बड़ी सूखी काटा है। छम्मो तू बहुत बदतमीज हो गई है, जब आ गया से। अच्छा हुआ आपने इसे भेज दिया वरना मुंडी मरोड़ के रख देती। बियापा चमक दमक तो मुझे भी पसंद नहीं, लेकिन हड्डी में पेवन कैसे लगाऊं? तो बस मुंह पे लोई फेरे बेटे की करतूते देखा करो, सारे शहर में थुई थुई हो रही है। ऐसी बात कहने की हिम्मत कैसे हुई तुझे? हाय हाय शीशे के महल में बैठकर पत्थर ना चलाया करो दिलदार बेगम, तिल्ली के तेल में खुशबू मिला मिला के चार पैसे क्या कमा लिए कि मैं हड्डी वाली बन गई। पेटी वाली होकर ऐसे जबान ना चलाया करो बियापा, ये आदत अच्छी नहीं, या ऐसा दामाद ढूंढो जो रोज तुम्हारी चार बातें सुना करे। तुम ठीक कहती हो बहन, इससे तो फिर वो मुआ खुदूद ही ठीक है, एक दो दफा झाड़ू की मार भी खा चुका है बेचारा, और कुछ नहीं तो जहर इश्क तो सुनने को मिलेगा। बहन एक बात कहूँ, किसी से कहना नहीं, निगोड़ी सकीना को भी उसी से इश्क है, मगर वो है कौन? आय हाय मेरी जाने जूती, निगोड़े का कोई आगे ना पीछे, घर दमाद ही रखना पड़ेगा और क्या। तुमने तो हमारे कमरे में ना आने की कसम खा ली है शमा, ऐसी तो कोई बात नहीं, मेरी रूह हर अभी के साथ रहती है, मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं, मेरी दुनिया तो जन्नत में बदल दी है तुमने। मैंने ये परवाना साहिब ने औरत मोहब्बत के साथ शोहर की तरफ से इज्जत की भी भोगी होती है, मोहब्बत मुझे उन्होंने दी और इज्जत तुमने दिलवाई, वो मुझे अपने से भी बड़ी शायरा समझते हैं, मेरी तरफ से तुम उन्हें वो गजल ना सुनाती तो आपने कहा तो नहीं कि वो गजल आपकी नहीं थी? नहीं, उनकी नजरों से मैं अब गिरना नहीं चाहती। काहे को फिक्र करती है, आपके और मेरे सिवा कोई नहीं जान सकेगा कि वो गजल मैंने लिखी थी। तुमने? वो गजल तुमने लिखी थी? वो गजल क्या, आपके जज्बात की तर्जुमानी कर दी थी मैंने। शमा एक बात पूछो, तुम चाहती हो किसी को? बिना चाहते तो ये मुमकिन नहीं कि तुम ऐसी गजल लिख सको। ये किसे? माशाल्लाह बहुत घुल मिल के बातें हो रही हैं। जाइए नजर ना लगाइए हमारी दोस्ती को। शमा रोई थी क्या? नहीं तो, अच्छी भली बातें हो रही थी हमारी। इसकी आंखें देखो, मुझे तो साफ नजर आ रहा है, क्या बात है शमा? कुछ भी तो नहीं, आप जाइए ना मैं पूछ लूंगी। जी हाँ हमें अब काहे को बताएंगे, हम तो गैर हो गए, हमारी तस्वीर तक अपने कमरे में रखना गवारा नहीं। शमा छम्मू ने तो कोई उल्टी सीधी बात नहीं कर दी तुमसे?
जाने क्या समझकर दिलावर भाई ने मुझे इधर भेज दिया। दिलावर भाई ने इधर भेजा है तुम्हें? सच? मैं तो चाहती हूँ कि तुम्हें अपने भाभी बनाऊं। दिलावर भाई पसंद है तुम्हें? देखिए रोशन दुल्हन, मैं तो शादी करना ही नहीं चाहती। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें दिलावर भाई पसंद नहीं है ना? अभी परवाना साहब आप ही को ढूंढते हुए आए थे, जाइए ना, इंतजार कर रहे होंगे। अच्छा, खत्म होती है जिंदगानी आज, खाक में मिलती है जवानी आज, दिल में लेकर तुम्हारी याद चले, बाग आलम से नाम मुराद चले। क्या हुआ भी आपा? अरे मियाँ, ये मसनवी सुनकर कलेजा फटा जा रहा है। उस बेचारे ने शर्म के मारे अपनी जान तक दे दी। अजी आप तो जरा जरा सी बातों पे अपना नन्ना सा दिल कुढ़ा लेती हैं भी आपा। अर्ज ये है कि हर नासमझ लड़की इज्जत के मुकाबले में जिंदगी को सदके का कौवा समझती है। कौवा समझी? ए, वो जो मुढ़ेर पे आके बैठता है सुबह सुबह। जब करोगे उल्टी बात है? अरे वो ना समझती क्या समझदार? अजी ना समझ सोले आने ना समझ, ए माफ करना आग बन गई। समझदार लड़कियां तो बड़ी ढीठ होती है, ढीठ, माफ करना। हाँ ए अम्मी, अब छोड़ भी दो बेचारों को, जरा ये भी पीठ सीधी कर ले। अरे बेशरम, तेरी आँख का पानी मर गया है क्या? शाम होते बन्नों की आंखों में नींद ठिल मिला रही है। कान खोल कर सुन ले, मैंने तेरी शादी हुदूद मियाँ से इसी शौक में की है कि वो रोजाना जहर इश्क की मसनवी मुझे पढ़कर सुनाया करे, समझी? हाँ झाड़ू फिरी। हाँ मियाँ, वो लड़की तो मर गई मगर उस लड़के बेचारे का क्या हाल हुआ? ए जी, ए जी, जहर हो गई हालत और गम से बिल्कुल बदल गई सूरत। हमें तो क्या वाकई शमा ने तुम्हारा भेजा हुआ ही तक ठुकरा दिया? शमा को शायद मालूम नहीं कि दिलावर ने कितने पत्थर पिघलाए हैं। न खंजर उठेगा न तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। मुझे खम का तैश न दिलाओ बाकी मियाँ। अमा तुम्हें तैश आ जाए तो इसी में तुम्हारी बहन रोशन-आरा की भलाई है। क्या मतलब? शमा अगर उसी घर में जलती रही तो तुम्हारी बहन रोशन-आरा की जिंदगी हमेशा के लिए अंधेरी रहेगी। नहीं, तुम नहीं समझते दिलावर मियाँ, शमा और तुम्हारे बहनोई परवाना साहब में क्या रिश्ता है? बाहर हाल वो रिश्ता नहीं है जो तुम समझते। शमा ने तुम्हारा भेजा हुआ इधर वापस कर दिया तो फिर इसका और क्या मतलब हो सकता? अगर ऐसी बात होती तो परवाना साहब रोशन से शादी के लिए इतने जतन नहीं करते। दिलावर मियाँ, तुम बहुत भोले, आजकल के शहरों को तुम नहीं जानते। ऊंचे घराने में शादी करके सुरखरू भी हो गए और शमा परवाने का नाटक भी जारी रहा। अमा गौहर भाई की वो गजल याद नहीं है जिसमें शायर साहब ने अपने नाम के साथ शमा का भी जिक्र किया है? है काम मेरा जलना और नाम है परवाना। मुझे बहकाने की कोशिश न कर। हाथ कंगन को आरसी क्या, कल ही चले जाओ पैगाम लेकर। मंजूर हो गया तो आप सच्चे, नहीं तो मैं मुजरिम। मरने ना
जगा दिया। मैंने आपकी नींद में खलल अंदाजी की, मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं तुम्हें तब तक माफ नहीं करूंगी शमा, जब तक तुम मुझे ये नहीं बताओगी कि तुम किस बेदर्द की मोहब्बत में खुला करती हो। मेरे लिए क्यों परेशान होती है रोशन दुल्हन? मैं मजबूर हूँ, मुझसे कुछ ना पूछिए। मैं इतनी नादान नहीं हूँ, सब समझती हूँ। तुम्हें मोहब्बत में धोखा दिया है किसी ने। तुम्हारी मोहब्बत को ठुकरा दिया है किसी ने। होता नहीं बर्बाद कोई अपनी खुशी से, बिगड़ी हुई तकदीर पे क्या जोर हमारा। शायद तुम्हें यकीन ना हो, लेकिन तुम्हारी दी हुई सब खुशियां होते हुए भी मैं तुम्हारे लिए बेचैन हूँ। एक ही घर में दो बहनें, एक रोई और एक हंसी। मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हूँ शमा कि अपनी खुशी में तुम्हारा गम भूल जाऊं। अब रात ज्यादा हो गई है, आप आराम कीजिए। तुम ये राज मुझसे छुपाना चाहते हो, तुम्हारी मर्जी। लेकिन इश्क और मुश्क लाख छुपाने से भी नहीं छुप सकता। मैं तुम्हारे महबूब का पता लगा कर ही रहूंगी। मेरी मोहब्बत की लाज रखना, हर कदम पे मेरा नया इम्तिहान न ले। ला हौले वला कुव्वत दिलावर मियां, मैं दुनिया की हर नामुमकिन बात तस्लीम कर लूंगा, मगर ये मानने के वास्ते तैयार नहीं हूँ कि शमा और परवाना साहब में ऐसा कोई रिश्ता है। खुदा करे मैंने जो कुछ सुना है वो गलत हो। फिर भी क्या बरखुरदार, दुनिया में कान भरने वाले बहुत से होते हैं। समझदार आदमियों को ऐसी बातों पर एतबार नहीं करना चाहिए। आपको मशवरा देना है तो छोटे मुंह बड़ी बात है, लेकिन रोशन के रास्ते से ये कांटा दूर हो जाता। मियाँ, लड़की पराया धन होती, वो कहाँ तलक इस घर में बैठी रहेगी। लेकिन जब तक कोई मुनासिब पैगाम ना हो, मैं रोशन की जिंदगी बर्बाद होने से बचाने के लिए, शमा से शादी करने के लिए मैं तैयार हूँ। तुम नहीं जानते हो दिलावर मियाँ, वो शमा को मैंने बेटी तरह पाला, लेकिन वो हमारी दूर की रिश्तेदार और बेचारी यतीम। मुमकिन है आप हैरान, मुमकिन है बहन के लिए भाई की इस कुर्बानी को दुनिया हिमाकत समझे, लेकिन मुझे रोशन की खुशी से ज्यादा कुछ भी अजीज नहीं, अपनी खुशी भी नहीं। जज़ाकअल्लाह, जो अपनी बहन की खुशी के लिए सब कुछ कर सकता है, वो अपनी बीवी को भी कभी नाखुश नहीं रखेगा। मुझे तुम्हारा ये पैगाम मंजूर है, शमा तुम्हारी हो गई। सलामत रहो, उम्र दराज।
मुबारक हो रोशन, हम एक दूसरे के और करीब हो गए। दिलावर भाई शमा से शादी करना चाहते हैं। नहीं नहीं नहीं, क्या अब्बा जान ने उनका पैगाम मंजूर भी कर लिया? शमा की मर्जी पूछे बगैर उसे क्या इतराज हो सकता है? दिलावर भाई को शमा पसंद है। जानती हूँ, मुझे भाईजान की खुशी अजीज भी है, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि शमा को शादी के लिए मजबूर किया जाए, वरना उसका टूटा हुआ दिल और टूट जाएगा। शमा का टूटा हुआ दिल? मैं समझा नहीं। औरत का दर्द सिर्फ औरत ही समझ सकती है, मर्द नहीं। आप क्या जाने बेचारी किस तरह दिन रात खुला करती है। मगर किसके गम में? खुदा जाने किस बेदर्द की मोहब्बत में। शमा मोहब्बत करती है? जी हाँ, मैंने उसे लाख लाख पूछा, मगर वो किसी का नाम जबान पर नहीं लाती। होंठ सी लिए हैं उसने, लेकिन मैं एक दिन पूछ के ही रहूंगी। आप अब्बा जान से जाकर कह दीजिए कि वो दिलावर भाई से शादी की बात न बनाए। जो मैं शमा की शादी उसी से करूंगी जिसे वो चाहती है। क्या कहा, तू शादी ही नहीं करना चाहती? अब्बा जान, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे अपने कदमों से जुदा न कीजिए। घर में इतना नौकर चाकर है, मैं भी किसी कोने में पड़ी रहूंगी। तेरी बात मानूं तो पाले पोसे पर पानी फिर जाए, दुनिया थू थू करेगी, कहेंगे जिनत बेगम ने अपने बेटे की शादी तो धूमधाम से कर ली, ये तीन भांजी को बिठा रखा है हंडिया डोई करने के लिए। लोगों को बकने दीजिए खाला जान, आपने मेरे लिए जो कुछ किया है माँ बाप भी नहीं कर सकते थे। मगर वो सब कुछ किसका, जब हम तेरी खुशियां ना देख सके, तेरी बहारें ना देख सके। मेरी बहारें, मेरी खुशियां, सब कुछ इसी घर में है खाला जान। मुझे इस घर से जाना चाहिए। आप सुन रहे हैं शमा क्या कह रही है? सुन रहा हूँ बेगम, और समझ भी रहा हूँ, मगर मैं दिलावर मियाँ को कॉल दे चुका हूँ। मेरा कौल और नसीब का लिखा इसके रोने धोने से नहीं बदला जा सकता। अब्बा जान, शमा को मजबूर ना कीजिए, आप नहीं जानती। मैं नहीं जानता था, मगर अब सब कुछ जानता हूँ कि शमा को ही शादी क्यों ना मंजूर है, और ये भी जान गया हूँ कि तुम इसकी हिमायत के लिए यहाँ क्यों आए हो। आप जानते हुए भी इस मासूम के अरमानों का खून करना चाहते हैं, जबरदस्ती की शादी से क्या फायदा? एक फायदा तो ये है कि बेशर्मी का वो नाटक जो आज तक इस घर में खेला जा रहा था खत्म हो जाएगा। बेशर्मी का नाटक? मैं आपका मतलब नहीं समझा। लेकिन मैं तुम दोनों का मतलब समझता हूँ। शमा जीते जी इस घर को छोड़ना क्यों नहीं चाहती, और तुमको इसकी जुदाई क्यों नहीं पसंद? मैं पूछता हूँ कि तुमने रोशन से शादी क्यों की? अब्बा जान, तुम्हें उस मासूम की जिंदगी से खेलने का क्या हक था? ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम्हें नहीं मालूम बेगम कि तुम्हारे साहबजादे और तुम्हारी इस लाडली में क्या रिश्ता? मैं आंखें रखती हुई भी कैसी अंधी रही, अजीजन के समझाने पर भी कुछ ना समझ सकी। खुदा खुदा क्या करती, जब दूर हो मेरी नजरों के सामने से। ईंट को महल में लगाने का यही इनाम मिलता है। चली जाए यहां से। आपको गलतफहमी हो गई अब्बा जान, मेरा और शमा का ऐसा कोई रिश्ता नहीं। जब ये बात दिलावर मियां ने मुझसे कही थी तो मुझको भी यकीन नहीं आया था, लेकिन अब इसकी पूरी तस्दीक हो गई है। मुझे अपने खून से ये उम्मीद न थी। लेकिन दिलावर ने जो कुछ भी कहा है या आप जो कुछ समझते हैं वो गलत है, झूठ है, बोहतान है। कुर्बान जाऊं, क्या बात है बेटी श्यामा, तुमने क्या हाल बना रखा है? मेरा एक काम करो। अरे बेटी तू एक काम कहती, मैं दस काम कर दूंगी। बोल तो बेटी। तुम भोली भी हो रोशन और बेवकूफ भी। मैं सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए ही शमा से शादी करना चाहता हूँ। अपने मतलब के लिए तुम ऐसा जहर भी उगल सकते हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अपने जबान को काबू में रखिए परवाना साहब, मेरी बेइज्जती करने का आपको कोई हक नहीं। और तुम्हें क्या हक है कि मुझे मेरे बुजुर्गों की नजरों से गिराने के बाद मेरी बीवी के कान भरने की कोशिश करो? इनकी बातों का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ, मैं इनसे ज्यादा आपको जानती हूँ। तुम धोखे में हो रोशन, क्या तुम शमा से मोहब्बत नहीं करते? खामोश। ये क्या हो गया आपको? इसी बेशर्म से पूछो। बेशर्म मैं नहीं, तुमको।
जो बीवी के होते हुए घर में दूसरी लड़की ऐसी बात मुंह से निकाली। रोशन के भाई ना होते तो मैं तुम्हें जिंदा ना छोड़ता। निकल जा। फिर इधर का रुख किया तो तुम्हारी खैर नहीं, इस जिल्लत का बदला नहीं लिया तो दिलावर नाम नहीं। हमारी हंसी खुशी की दुनिया में ये परेशानी का तूफान, खुदा गवाह मैंने शमा को गलत नजर से कभी नहीं देखा। मैं जानती हूँ। आप तो पैगाम देने गए थे दिलावर मियां, सर से टोपी भी उतार कर दिया है। कुछ न छुपा के पूछना क्या है, ये तो साफ जाहिर है। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। तुम्हारी बात सच है बाकी, शमा उस घर में जलती रही तो रोशन-ara की जिंदगी हमेशा के लिए अंधेरी रहेगी। तो फिर शमा को बुझाने में देर नहीं करनी चाहिए। जब तक मैं इस जिल्लत का बदला नहीं लूंगा मैं अंगारों पर लौटता रहूंगा। अंगारों पर लौटे आपके दुश्मन, आखिर मुझ जैसा दोस्त कब काम आएगा। आप गौहर भाई के यहाँ चलकर दिल बहलाइए, फिर देखिए बाकी आपके लिए क्या कुछ कर सकता है। बहुत बड़े काम का बेड़ा उठा रहे हो बाके। मेरे लिए ये बाएं हाथ का खेल है हुजूर। हाँ। कुछ रुपए होंगे जेब में। मुझे तो जरूरत नहीं थी, ये शोधे कमबख्त बड़े लालची होते हैं। तुम्हें नहीं मालूम रोशन आज दिलावर की वजह से कितनी जिल्लत उठानी पड़ी उस मासूम। जिस मोहब्बत के राज को बेचारी सीने में छुपाए बैठी रही आज हमने जान लिया। मोहब्बत का राज, आप जानते हैं बुआ कि शमा को किससे मोहब्बत है? हाँ दुल्हन, परवाना साहब। नूता खुशी ने आग ले
खुदा खैर करे रोशन, शमा ने अंदर से दरवाजा बंद कर रखा है। खुदा के लिए जल्दी दरवाजा खुलवाइए, कहीं कयामत ना आ जाए। आगे बैठी बेटा, लीला जाइए, किसी डॉक्टर हकीम को बुलवाइए। मैंने उसे अपनी बेटी की तरह पाला था। मियां बड़े घबराए हुए नजर आ रहे हो, हैं? अमन लब के कहां जा रहे हो, जरा दम तो लो, खैरियत तो है? नहीं हुजूर, मुझे जाने दो। अमन हद किए दे रहा यार, तुम दिल तोड़े दे रहा सवेरे सवेरे। गजब हो गया बेटा, शमा ने जहर खा लिया। जहर? बेटा किसी डॉक्टर को जल्दी से बुला के लाओ, मेरे तो हाथ पैर फूल गए। जी बहुत अच्छा, आप दोनों आराम कीजिए, मैं डॉक्टर को लेके अभी हाजिर होता हूँ। खुदा जाने हुदूद मियां कहां बैठे, डॉक्टर भी अभी तक नहीं आया। डॉक्टर आके करेगा भी क्या, आपकी गलतफहमी से उस मासूम की जान जानी थी, चली गई। बेटा आपने उसे खुद मौत के मुंह में ठकेला। मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि मैं क्यों किसी दूसरों की बातों में आ गया। कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस जूद पशेमा का पशेमा होना। डॉक्टर आया? जी, 100 डॉक्टरों के डॉक्टर मेरे साथ साहिबा जनान खाने में तशरीफ ले जा चुकी हूँ। कौन भी आपा? जी हाँ, अर्जी है कि शम्मा ने उन्हीं के हाथ जहर मंगवाया और उन्होंने जहर ला के दे भी दिया। और हाँ बीबियों, सबकी आंखों में झाड़ू करे आंसू कैसे, शमा बीबी को कुछ नहीं हुआ, अल्लाह रखे वो आराम कर रही है, सोने दे उन्हें आराम से। ये मजाक का वक्त नहीं बियापा। आए है जीनत बेगम, बियापा जैसी बचपन में थी वैसी जवानी में, और जैसी जवानी में थी वैसी अब। आए है जमाना बदल गया लेकिन बियापा नहीं बदली। मैंने इन्हें जहर नहीं बल्कि नींद की दवाई ला कर दी। सच बियापा? क्या? जी अर्जी है कि दवा यानी कि मौत आने की नहीं, सिर्फ नींद आने की। जी सिर्फ शुक्र अदा करने से काम नहीं चलेगा नवाब साहब, 10-20 रुपए की गरम गरम जलेबियां मंगवा के मेरी उम्र के बच्चों में तकसीम करवा दीजिए। देखिए अर्जी है कि भी आपा ने अगर ये अकलमंदी ना की होती तो या तो वो बेचारी सर फोड़ फोड़ के मर गई होती जी, और या गले में फांसी लगा के मर गई होती। नहीं मैं एक बात बोलता हूँ, क्यों भाई ठीक है नहीं? आप जाकर लेटी, मैं जाग रही हूँ। आप क्यों बेआराम होते हैं? खुदा गवाह है रोशन, मैंने जानबूझकर शमा को तड़पाने का गुनाह नहीं किया। शमा को सुबह मालूम हुआ कि आप रात भर जागते रहे हैं तो उसे बहुत दुख होगा। आप जाइए ना। लगे है तो मुंह दिखाई भी हो जाए गोहर जान। हाय अल्लाह, दूल्हा के होते दुल्हन का घूंघट दूसरा कौन उठा सकता है? तुम्हें यही मंजूर है, यही सही? आखिर चार करो, इस महफिल में शर्माना हिमाकत। रोशन, रोशन, रोशन। हाँ रोशन, दिलावर की बहन। क्या हो गया, क्या क्या इन कंबा, या खुदा। मुंह क्यों छुपा लिया, इस महफिल में शर्माना हिमाकत है।
आंखें खोल कर देखो, तुम्हारी बहन इन नामहरमों के सामने तुम्हारी कटुत की वजह से नंगे मुंह खड़ी है। ये क्या किया तूने बाकी? मैंने तुझे क्षमा के लिए भेजा था। इनका क्यों बिगड़ते हो? अच्छा हुआ जो क्षमा नहीं आई, अच्छा हुआ जो उसके बजाय मैं आ गई। तुम्हें मालूम तो हो गया कि जो आवारा बेशर्म दूसरों की इज्जत लूटते हैं, दूसरों के शर्म हया से खेलते हैं, एक दिन उनके हाथों में अपनी बहन का घूंघट भी आ सकता है, एक दिन वो अपनी माँ की चोटी भी खोल सकते हैं। बस रोशन बस, अब इसलिए सर फोड़ रहे हो कि तुम्हारी ये दोस्त क्षमा की जगह मुझे उठा लाए? अच्छा हुआ, वरना खुदा जाने उस गरीब का क्या हाल होता। अब तुम्हें एहसास तो हुआ कि तुम जैसे भेड़िए अपने ही हाथों अपनी शराफत का गला भी घोट सकते हैं, अपनी बहन के सर से अपने हाथों चादर खींच सकते हैं, अपनी इज्जत को खुद मान सकते हैं। मुझे माफ कर दो रोशन, खुदा के लिए और कुछ न कहूं। क्यों? तुम्हारी इज्जत इज्जत है और दूसरों की इज्जत खिलौना, तुम्हारी गैरत गैरत है और दूसरों की गैरत तमाशा, तुम्हारी बहन बहन है और दूसरों की बहन कठपुतली। बस बात हो गया रोशन, खुदा के लिए खामोश हो जा। आज मैं खामोश हो गई तो दुनिया की सारी मजलूम औरतें मुझे इल्जाम देंगी। मैं दुनिया से पुकार पुकार कर कहूंगी कि ऐसे भाइयों को पहचान लो, यही है वो बेशरम, यही है वो हवस के बंदे, यही है वो गुनाहगार, यही है वो शैतान जिन्होंने खुदा के कानून का मजाक उड़ाया है। रोशन, मैं बहुत शर्मिंदा, बहुत शर्मिंदा। चलो तुम्हें घर पहुंचा। घर? मेरे घर के दरवाजे आज तुमने हमेशा के लिए बंद कर दिए हैं। इस जगह पर पहुंचाकर तुमने मुझे किसी शरीफ घर में कदम रखने के काबिल नहीं छोड़ा। रोशन, तुम्हारे इन भाई बंधुओं के सामने बेपर्दा होने के बाद, इस जहन्नुम में कदम रखने के बाद, अपने शौहर की जन्नत में किस मुंह से जाऊं? उनसे दूर रहकर मैं जिंदा नहीं रह सकती। अब मुझे सिर्फ मौत के दामन में ही पनाह मिल सकती है, और कहीं नहीं, और कहीं नहीं। रोशन, रोशन! खबरदार, मेरे नजदीक मत आना, मुझ पर तुम लोगों का साया भी नहीं पड़ना चाहिए। रोशन, नहीं नहीं! मैंने तुझे मार डाला, मैंने तुझे मार डाला। दिया रोशन करने आई हो, ये भी छुपाना चाहती हूं मुझसे। अपनी कुर्बानियों पर कब तक पर्दा डालती रहोगी शमा? बुआ आजीजन से मुझे ये भी मालूम हो चुका है कि वो गजल रोशन आरा ने नहीं तुमने लिखी थी। और शर्मिंदा न कीजिए, ये शर्मिंदगी क्या कम है कि मैं
मैं कुर्बानी में रोशन-ara से पीछे रह गई। किसी की मौत कुर्बानी का दर्जा पाती है, किसी की जिंदगी उसने पानी है, इश्क पानी है, एक वफा है जो जा शम्मा